तो सिलसिला बाजारों का मैं आपका स्वागत है और हमारे साथ इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी। बात करते हैं इनसे एग्री कॉमोडिटी की, लेकिन एग्री कॉमोडिटी पे बात करने से पहले मैं रूपा जी आपसे जानना चाहूँगी कि हमने नॉन एग्री कॉमोडिटी की बात की थी तो उसमें अगर हम ओवरऑल इंटरडे में क्या कुछ करके चलना चाहिए हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए एक बार अपना सवाल दोबारा दोहराइए। मैं बात करते हैं एग्री कॉमोडिटी की रूपा जी, तो एग्री कॉमोडिटी में कैस्टर सीड की बात करें तो ये आज 7420 पर कारोबार करता दिखा है, तो कैस्टर सीड के बाजार आगे कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए कैस्टर सीड में अभी ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है और मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी बिकवाली की तरफ रहना चाहिए। सभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर प्रेशर है और कैस्टर सीड में जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़े थे और उसकी वजह से हमने तेजी आते हुए दिखी थी, अब वो तेजी कहीं ना कहीं गायब होती हुई दिखाई दे रही है और भाव में लगातार दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी एक्सपोर्ट गिरने के चलते इसमें प्रेशर जो है वो बना रह सकता है और प्राइजेस नीचे में 7200 से लेकर 7000 तक नीचे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। मेरी कॉटन ऑयल सीड केक में मैंने लगातार ये बोला है कि बिकवाली की तरफ रहिए, प्रेशर जो है वो बना रह सकता है। ऊपर में 2700 तक का ऊपर का स्तर है और नीचे में अगर देखा जाए तो 2600 से लेकर 2500 की रेंज जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की पोजिशन बनाकर चला जा सकता है। धनिया की बात करें तो ये 12000 के ऊपर ही लगभग चल रहा है, तो आप धनिया के मसाले में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मसालों की बात की जाए तो जो पिछले अभी विंटर समर वेकेशन के चलते रुकी थी, अब वो वापस से निकलती हुई दिखाई दे रही है और वापस से कीमतों के अंदर एक उठाव देखने को मिल रहा है। और धनिया की स्पेशली बात करें तो जो कि कल हमने टारगेट भी दिया था कि 12200 तक ऊपर जा सकता है और आज हमने वो लेवल आते हुए देखे है, तो मुझे लगता है कि धनिया अभी भी यहाँ से पोटेंशियल है धनिया के अंदर। यहाँ पर अब जो रेंज बनती दिखाई दे रही है नीचे में 11800, तो ऊपर में 12200 के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो जुलाई वायदा 12600 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव है अभी भी मार्केट और तेजी में बना रह सकता है और जैसे जैसे अब डिमांड पिकअप होगी, थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा तो इसको वापस से तेजी जो है वो बनी रह सकती है। तो इसके अंदर अगर 12800 के ऊपर निकलता है तो आपको 13200 से 14000 का स्तर भी धनिया में देखने को मिल सकता है। वहीं धनिया के साथ अगर दूसरे मसालों की बात करें, जीरा या फिर हल्दी, इनमें भी तेजी का रुझान है। आज मार्केट ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ऊपरी स्तरों से आज फिसलन देखने को मिली है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से जीरा जो है 22500 से लेकर 22800 तक ऊपर जा सकता है। वहीं हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी तेजी का रुझान है, अगर यह 7800 के आसपास आता है नीचे में अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऊपर में 8200 से लेकर 8500 के टारगेट के लिए इसके अंदर भी बाइंग पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि मसालों में बाइंग करके चला जा सकता है, फेस्टिवल सीजन आएगा तो उसमें और भी तेजी बनती दिख सकती है, मसालों का जो बाजार है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम ग्वार गम की बात करें रूपा जी, तो ये 9700 पे ये कारोबार करता दिखा है, तो ग्वार गम का कैसा रह सकता है बाजार? देखिए ग्वार गम में तेजी अभी थोड़ा सा रुकती हुई नजर आ रही है, अब बाजार थोड़ा सा उठा जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं लग रहा है अभी फिलहाल। जब तक 10000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी नहीं आती तब तक इसमें कोई लंबी तेजी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। आज इंट्राडे में भी जो बाउंस बैक है वो 9800 से लेकर 9900 तक ऊपर हो सकता है, वहीं सीड भी 5200 तक एक बार ऊपर जा सकती है, लेकिन नीचे में मुझे लगता है कि 9600 के आसपास एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए ग्वार के अंदर भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, करेक्शन आती है और वहां पर अगर सस्टेन करता है मार्केट तो वापिस से खरीदारी की तरफ जाया जा सकता है। अगर ग्वार सीड की बात करें तो ये भी 5170 पर कारोबार करता दिखा है, तो ग्वार सीड का भी बाजार कैसा कुछ देखने को मिल सकता है? ग्वार सीड में जैसे कि मैंने बताया कि अभी ऊपर में 5200 है और नीचे में 5000 के नीचे के लेवल जो है हमने देखे हैं और 4800 तक एक बार नीचे मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, अगर गेहूं की बात करें तो सरकार ने गेहूं के निर्यात की मंजूरी दे दी है पर कुछ नियमों और शर्तों के साथ इसकी मंजूरी दी है, तो आपको क्या लगता है कि गेहूं का बाजार आगे और कुछ क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है?
देखिए, जो एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था कि गेहूं का एक्सपोर्ट जो है वो खुल सकता है, और अभी निर्यात की मंजूरी मिल चुकी है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि गेहूं की प्राइसेस जो है वो पहले भी सस्टेन था ऊपरी स्तरों पर, अब थोड़ा बहुत और उठाव आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए और थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आगे चलकर और ज्यादा तेजी गेहूं की कीमतों में देखने को मिल सकती है। जी, अगर खाद्य तेल की बात करें तो खाद्य तेल में जो गिरावट है वो जारी है, अभी भी गिरावट बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि खाद्य तेलों में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? खाद्य तेलों में फिलहाल कोई तेजी तो बनती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि प्रेशर ही दिखाई दे रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों के अंदर अगर बात करें सरसों की चिघानी की, तो उसकी कीमतों में जो है वो गिरावट के बाद थोड़ा सा उठाव जरूर आते हुए देखा है, लेकिन सीपीओ, पामोलिन, सोयाबीन, इन सब में गिरावट देखने को मिल रही है, और मूंगफली तेल, इन सब में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस देखने को मिला था, लेकिन ट्रेंड अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, और मुझे लगता है कि आगे चलकर कीमतों में और ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और इनके खाद्य तेलों की अगर बात करें तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की तरफ रहना चाहिए, और आगे चलकर भी एक्सपेक्टेड है कि प्रोडक्शन अच्छा खासा हो सकता है, तो अभी फिलहाल फ्यूचर के लिए भी मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक जो है एक बार प्रेशर में रह सकते हैं। जी रूपा जी, अगर दाल की बात करें तो चना हो या मसूर हो, इनमें तेजी देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है कि दाल का जो बाजार है वो आगे कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर दालों की बात करें तो लगातार हमने दालों के अंदर उतनी तरह से प्रेशर आते हुए देखा है, और वो लगातार प्राइसेस जो है डाउन साइड में ट्रेड करते हुए नजर आए हैं, और अभी भी अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा दालों में उठाव है नहीं, और अभी आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि दालों के अंदर प्रेशर बना रह सकता है, और मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा दूरी बना के रखे, अभी फिलहाल स्ट्रोक की तो उम्मीद दिखाई नहीं देती है कि स्ट्रोक करना चाहिए, और आगे चलकर और ज्यादा चाहे चना हो, मसूर हो, इनके भाव में प्रेशर बन सकता है। 1 से 2 दिन में हमने थोड़ा सा बाजार सुधरते हुए जरूर देखे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन के दाम बढ़ने से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें भी इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो कॉटन के जो दाम बढ़ रहे हैं इससे आगे क्या कुछ आगे बदलाव देखने को मिल सकता है, क्या ये इस तेजी से आगे कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा इंडस्ट्री पे? देखिए, कॉटन में फिलहाल अभी गिरावट का रुझान वापस से चालू हो चुका है। हाँ, नो डाउट कि इस बार लाइफ टाइम हाई पर कॉटन ट्रेड होती हुई दिखाई दी है, और उसका असर जो है इंडस्ट्री के ऊपर जरूर आता हुआ दिखा है, क्योंकि कॉटन यान जो है वो महंगा पड़ रहा है, जिसके चलते कीमतें जो है वो लगातार तेजी के साथ देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री के ऊपर जरूर इसका इम्पैक्ट आया है, लेकिन अब अगर हम कॉटन की बात करें तो भाव में अब गिरावट का दौर चालू हो चुका है, और मुझे लगता है कि ये अब कॉन्टिन्यूशन में रह सकता है, भाव नीचे की तरफ बने रहेंगे। इस बार हम सोइंग के भी आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं या फिर फार्मर्स का जो रुझान देखें, तो वो कपास की तरफ ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया है अदर कमोडिटीज के कंपैरिजन में, तो मुझे लगता है कि अब आगे चलकर कॉटन की तेजी का दौर जो है वो खत्म हो सकता है, और अब जो प्राइसेस 40,000 के आसपास दिखाई दे रहे हैं वो आगे चलकर हो सकता है कि यहाँ से आपको 38-35 हज़ार के आसपास सस्टेन करते हुए दिखाई दे, क्योंकि अभी डिमांड में काफी कमजोरी देखने को मिल रही है, और उधर डॉलर में मजबूती आने के चलते और पैदावार जो बताई जा रही है कि इस बार बम्पर रह सकती है, इन सब स्थितियों की वजह से फिलहाल इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है, और अभी भी आगे चलकर गिरावट का दौर बना रह सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई इसके अंदर बाइंग की पोजीशन बनाना चाहिए, और एक्सपोर्ट भी लगातार हमने घटते देखे हैं, और इम्पोर्ट जो है वो बढ़ता है, बढ़ने के चांसेस हैं, तो ओवरऑल फंडामेंटल अगर हम स्टडी करें तो कॉटन के अंदर अब फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी बात एग्री और नॉन एग्री कॉमोडिटी की, तो इस ज़्यादा जानकारी के लिए अभी और आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, और अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।